सरकार की अनदेखी व गाँव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गाँव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुर में स्थित फरीदापुर रामचरण गांव पहुंचा। इस गांव के दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर ही है। लगभग 3000 की आबादी व 22 वोटरों द्वारा जयंती देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 450 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 365 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 19 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 4 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, 4 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 180 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। अंजना कुलश्रेष्ठ, सहायक अध्यापक उर माध्यमिक विद्यालय फरीदापुर रामचरण में कार्यरत हूँ और हम सब शिक्षा अभियान के तहत रैली निकाल रहे हैं, प्रभात फेरी, जिसमें हमें सब बच्चों को शिक्षित करना है और हर बच्चे को पढ़ाई विद्यालय लाना है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और प्रयत्नशील हैं। बच्चों में विकास भी हो रहा है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और गांव वाले भी बच्चों को नियमित भेजने के लिए उत्सुक रहते हैं और बच्चे साफ स्वच्छता पे भी ध्यान दिया जा रहा है, शौचालय का प्रयोग हो रहा है और साफ सफाई और साज सज्जा वगैरह सभी पे बच्चे जो हैं विकास हो रहा है और इसके साथ ही जो है बच्चे शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और गांव वाले भी अपने बच्चों को अभिभावक नियमित रूप से भेज रहे हैं। और ग्राम पंचायत फरीदापुर रामचरण विकास खंड भोजीपुरा जिला बरेली की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सीसी व खड़ंजा निर्माण कराया और 125 शौचालय व स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, नाला निर्माण व ग्राम में लाइटें लगवाई हैं। अब मेरी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट और सीसी खड़ंजा की खड़ंजा का निर्माण की आवश्यकता है।